नमस्ते गाइज, मैं सुनील सैमन सीतामढ़ी बिहार से आप सभी को स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। गाइज अभी मैं हूँ बासुकी नाथ धाम में आया हूँ बासुकी बाबा से दर्शन करने के लिए। तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, और वो इसलिए कि अगर आप लोग भी इस श्रावण में यहाँ पे अगर आते हैं बासुकी धाम में दर्शन करने के लिए तो आप लोगों को कोई चीज़ का दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशल बनाया हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा झारखंड सरकार द्वारा, और जो कि यहाँ पे रहने के लिए एक उत्तम व्यवस्था किया गया और खाने के लिए भी। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से झारखंड सरकार द्वारा एक बढ़िया सा व्यवस्था यहाँ पे किया गया फ्री में खाना और रहना। आइए दिखाता हूँ गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम एंट्री कर लेने के बाद इधर देख सकते हैं कि वहाँ पे बनाया गया है बेड, उसमें 250 उसमें भी बेड है और इसमें भी बेड है लगा हुआ है, इसमें भी है और उसमें भी है। 3-4 पंडाल गिराया गया है जहाँ पे कांवड़िया लोग के लिए एकदम समुचित व्यवस्था किया गया है और वहाँ पे रह सकते हैं। तो आइए आप लोगों को चल के दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है और यहाँ पे देख सकते कितना बढ़िया शिवलिंग यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हैं। तो आइए बारी बारी से आप लोगों को चल के दिखाता हूँ कि किस तरह से व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। आइए दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कि कितना बढ़िया व्यवस्था किया गया है यहाँ पे कांवड़िया लोग के लिए, और उधर पर्दा भी लगा दिया गया जिसमें रामायण चलता है। और देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे किया गया है झारखंड सरकार द्वारा, और ये कांवड़िया एकदम समुचित एकदम अच्छे ढंग से यहाँ पे सो रहे हैं। इस तरह से काफ़ी ढेर सारे बनाया गया है, और बाहर का भी दृश्य आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कुर्सी वगैरह भी यहाँ पे लगा दिया गया है। तो आप लोगों को ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था किया गया है कांवड़िया द्वारा, सॉरी झारखंड सरकार द्वारा, और ये बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिला है। तो गाइस आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों की अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए तो आप लोगों को किस तरह का परेशानी नहीं, आप लोग भी यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, आप लोगों को भी बेड मिल जाएगा। आइए और भी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए गाइस लिखा हुआ है श्रावणी मेला 2023 बासुकीनाथ, यहाँ पर देख सकते लिखाया हुआ है, और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया लिखा हुआ है। और इसके जस्ट सामने यहाँ पे कांवड़िया लोग को ठहरने के लिए एकदम उत्तम व्यवस्था किया गया है, और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सी वगैरह भी लगा दिया गया है, लोग आराम से बस बैठ सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए गाइस यहाँ पे किस तरह से कांवड़िया लोग अपना कांवड़ यहाँ पे रख के और इसमें आराम रेस्ट ले रहे हैं, ये देखते हैं। और इधर भी ढेर सारी कांवड़ रखा हुआ है, सभी पंडाल में जो कांवड़िया को ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया है, देख सकते हैं पंखा बिजली और बाथरूम उथरूम जैसे सकते हैं कूलर वगैरह सब यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे एक भाई साहब सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको बेड मिला है कि नहीं मिला है, वैसे ये बढ़िया व्यवस्था करके यहाँ पे सोए हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, गाइस इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु सर हुआ। आपका नाम मधु सर है, तो क्या आप नीचे सोए हुए, आपको बेड नहीं मिला है क्या? नहीं, बेड नहीं मिला है एक्चुअली में, बेड के तो व्यवस्था बहुत है लेकिन डाक बम भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आज सोमवार था जिसके वजह से ज़्यादा संख्या बढ़ गया है कांवड़िया लोग का। हाँ, कांवड़िया लोग का बहुत बढ़ गया है, और सरकार जहाँ तक हुआ बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, आप लोग भी यहाँ ठहर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पहले आ जाएगा तो बेड मिल जाएगा, लेकिन नीचे भी बिछा के आप सो सकते हैं, नीचे भी सो सकते हैं, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एकदम साफ सफाई है। और देख सकते हैं सामने इधर कूलर भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, और ऊपर देख सकते हैं फैन वगैरह भी चल रहा है, और नीचे भी कूलर लगा, नीचे भी एकदम बढ़िया एकदम मस्त जगह पर झकास व्यवस्था किया गया है इस बासुकीनाथ में, और बाथरूम उथरूम बासुकीनाथ में, और यहाँ पे बाथरूम उथरूम सारा चीज़ का व्यवस्था बहुत अच्छा से प्रबंध किया गया है। तो गाइस मैं ये वीडियो आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों मैं बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप लोग भी श्रावण में आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, तो मेरे ब्लॉग को अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आराम से आप भी यहाँ पर ठहर सकते हैं जल्द से जल्द आ करके और इसमें बेड ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे किसी आने वाले, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।